देखो कर्व्ड सेक्टर, ये काउ नोज हमने ऐसी पढ़ी पूरी दोनों साइड से घूमी हुई, अब ये हमारी कर्व्ड सेक्टर ब्रिक आती है। दीज ब्रिक आर इन द फॉर्म ऑफ कर्व्ड सेक्टर, ये पूरी कर्व्ड सेक्टर में होती है। इसको कहाँ यूज करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कुलर ब्रिक मैसोनरी। अगर कुछ हमने ऐसी दीवार बनाई है जो पूरी सर्कुलर टाइप में है, अगर कोई पिलर बनाया है हमने ब्रिक का वो पूरा सर्कुलर टाइप में है, ब्रिक की चिमनी बनाई है वो अगर पूरा फुली सर्कुलर टाइप में है, तो वहाँ हम कौन सी ब्रिक का उपयोग करेंगे, हमारी कर्व्ड सेक्टर ब्रिक का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब कर्व्ड सेक्टर ब्रिक को देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये कर्व्ड सेक्टर। हाँ मैडम, दिख रही है। है ना, इस प्रकार की जैसे अगर अपन देखे स्क्रीन में, जैसे ये आर्च जो बना है, अगर इसकी एक ईंट को देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार की ईंट है अपनी। ठीक है, मतलब इसका ये वाला साइड भी कैसा है कर्व्ड और इसका ये वाला साइड भी कैसा है कर्व्ड। ठीक है, मतलब ये ईंट की दोनों साइड, अगर हमारी ये ईंट इस प्रकार की है तो इसकी दोनों साइड कैसी हमको मिलेगी, कर्व्ड मिलेगी। ठीक है, इन ईंटों का उपयोग यूजुअली हम कुछ आर्चेस बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे हमको कर्वी टाइप हमारा बनाना है, और इस ईंटों का उपयोग एक और जगह करते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे हमारा फ्लोर है, फ्लोर है, फ्लोर कैसा है, फ्लोर पे हमको डिज़ाइन देनी है, तो हमने ऐसे यहाँ पर ऐसे एक गोल दे दिया बीच में जो भी कुछ है, फिर हमने ऐसी कर्वी ब्रिक लगा दी एक के बाद एक। ठीक है, दिख रही है आपको, ऐसे हम फ्लोर के बीच में मसाला भर करके हम ऐसे फ्लोर में डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, इन ब्रिकों की हेल्प से। ठीक है, इस टाइप की ये ब्रिकें आती है, समझ आ रहा है। फ्लोर यस मतलब मैडम, अपनी जो जहाँ पर टाइल वाइल लगाते हैं वहाँ पर हम इन ब्रिकों का ऐसे कर्वी नेचर में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इनकी हाँ भराई मैम, कैसे कर देंगे, यहाँ पर हम मोटर फिल करके, यहाँ पर मोटर से हम इनकी फिलिंग कर देंगे। मोटर में कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कलर के साथ में भी हम कुछ डिफरेंट कलर से इनकी भी फिलिंग कर सकते हैं। तो ये कर्व्ड सेक्टर ब्रिक को हम नीचे फ्लोरिंग में, जब हमने ब्रिक फ्लोरिंग पड़ी थी तो वहाँ के टाइप में हम इनको कर्व्ड फ्लोरिंग ब्रिक लगा सकते हैं। इनको एक और जगह आपने देखा होगा, जो हाई फाई बंगले रहते हैं वहाँ के गार्डन में इस टाइप की ब्रिकों का उपयोग होता है। ठीक है, गार्डन में ऐसे डिज़ाइन दे देते हैं ईंटों से। ठीक है, तो ये ऐसी जो जिनकी दोनों सरफेस, इनर एज और अपनी आउटर एज, कर्वी नेचर की होती है, मतलब कुछ ना कुछ आर्क के साथ में, कुछ ना कुछ चाप के साथ में होती है, तो वैसी ब्रिक को क्या बोलते हैं हम, कर्व्ड सेक्टर ब्रिक। आई बात समझ में। हाँ मैम, अब एक और फोटो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो।
क्या दिख रही है, किस प्रकार की ईंटें दिख रही है मेरे को? ये थर्ड क्लास ब्रिक जैसी लग रही है ना? हाँ मैम, क्यों? क्योंकि ये, हाँ एक तो मैडम, इसकी ये थर्ड सरफेस बेकार है, इसके ये कोने टूटे हुए हैं, है ना? ये क्या हो रहा, पानी में रखी होगी तो ये वाइट वाइट ऐसे धब्बे हो गए हैं इसमें। मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें इफ्लोरेसेंस वाला प्रॉब्लम भी है। इफ्लोरेसेंस मतलब इसमें सोल्यूबल सॉल्ट भी है, मतलब कुछ ना कुछ लवण इसकी मिट्टी में मौजूद होंगे, ठीक है? प्लस ये ढंग से पकी हुई भी नहीं है, एक जैसा कलर भी नहीं है इसका। मतलब हमारी ब्रिक में, इसमें स्टैंडर्ड हमारा कलर नहीं है, ठीक है? इसमें स्टैंडर्ड शेप नहीं है, ठीक है? इसमें स्टैंडर्ड हमारा साइज नहीं है, ठीक है? इसमें इफ्लोरेसेंस की प्रॉब्लम भी होगी। अगर ये दो ईंट को बजाओगे तो डल साउंड आएगा, बेकार साउंड आएगा, ठीक है? 1 मीटर से गिराओगे तो ये टूट भी जाएगी, ठीक है? मानते हो ये सारी बातें हो जाएंगी इसमें? क्योंकि ये थर्ड क्लास यस ब्रिक मैडम। जैसी हमको दिख रही है, मैम ये स्टैंडर्ड साइज में नहीं दिख रही है। स्टैंडर्ड साइज भी नहीं, इनकी साइज भी वेरी करेगी। तो वही तो चीज़ मैंने बोली, ये 19:9 वाली भी नहीं होगी, ठीक है? ये जहाँ पे ANB लिखा हुआ ना, ये चीज़ होती है हमारी फ्रॉग, ठीक है? ANB मतलब इसने, इसकी जो कंपनी है उसका कुछ भी स्टैंडर्ड साइज या कुछ भी लिखा हुआ होगा, सॉरी स्टैंडर्ड उसका कंपनी का लैंडमार्क होगा, या जो भी ठप्पा एक होता है सील टाइप वो होगा, ठीक है? ये क्यों बनाया जाता है, ताकि एक तो हमको समझ में पड़ जाती है कि ब्रिक कहाँ की है, प्लस इससे मोर्टार यहाँ पर घुस जाता है, और दूसरी ब्रिक जब हम बनाते हैं तो दोनों के बीच में क्या हो जाती है, अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, मतलब चिपकन या ग्रिप अच्छी बनती है, दोनों ईंटें अच्छे से जुड़ जाती है। मैडम ये कौन सी टाइप की ब्रिक बता रहे हो आप अभी? मेरे को थर्ड तो ये टाइप, थर्ड टाइप की दिख थर्ड रही है, सबसे थर्ड टाइप की, क्लास, ठीक है? एक और फोटो मैं शेयर करती हूँ। ये तो हो गया है, देखो ये फोटो दिख रहा है आपको, हाँ मैम। ठीक है? इसमें से ये कौन सी टाइप की ब्रिक दिख रही है? ये मैडम चैनल चैनल ब्रिक, चैनल है ना, नाली वाली, गटर चैनल वाली, ब्रिक, गटर वाली। नाली ब्रिक, और ये वाली काऊ ये वाली, मैम काउल काऊ नोज, भी, काऊ नोज, ये काऊ नोज। और ये वाली बुल काउल नोज, ठीक है? बुल बुल नोज ब्रिक, है ना? ये वाली कोपिंग ब्रिक है ना, पिंग। कोपिंग, ठीक है? और ये दो टाइप की हमारी पढ़नी रह गई है। ये वाली अगली पढ़ते हैं हम, जिसको बोलते हैं होलो ब्रिक, ठीक है? जो हमारे कोर्स में भी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारी होलो ब्रिक्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज द सेल्युअर और कैविटी ब्रिक। सेल्युअर मतलब इनके बीच में क्या होती है, सेल जैसी खाली जगह होती है, या कैविटी होती है। कैविटी मतलब कुछ खाली जगह, अपने दांतों के बीच में कैविटी मतलब हाँ खोखलापन, ठीक है? कैविटी कहाँ सुना है, अपने दांतों के बीच में हो जाती है, मतलब हमारा खोखलापन हो जाता है, ठीक है? मैडम, तो ये सेल्युअर और कैविटी ब्रिक होती है हमारी। सच ब्रिक है वॉल थिकनेस ऑफ अबाउट 20 mm से 25 mm। ये वाली ब्रिक जो होती है हमारी, पूरी की पूरी वॉल थिकनेस की होती है। ये वाली चीज़ जो इसमें जो खाली हमारी जो थिकनेस होती है, ये 20 mm से 25 mm के बीच में हम इसको रखते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्पेशल होमोजीनियस क्ले। ये कौन सी क्ले से बनाते हैं हम, ये स्पेशल प्रकार की एक सार, मतलब एक जैसी क्ले से बनाई जाती है। मतलब इसमें पूरी टोटल इम्प्यूरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की वेजिटेशन मटेरियल नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के सोल्यूबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? दे आर लाइट इन वेट, वजन में ये हल्की होनी चाहिए।
अबाउट 1/3 वेट ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक, मतलब अगर हमारी ईंट का 15, जैसे 3 किलो की ब्रिक है हमारी कोई सी भी स्टैंडर्ड, तो कितने होनी चाहिए इसकी, 1/3 होनी चाहिए, मतलब 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक के वेट, मतलब ये ब्रिक हमारी कितने की होनी चाहिए, 1 किलो की होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 1/3 होनी चाहिए किसके भार की, हमारी स्टैंडर्ड ब्रिक के भार की, ठीक है। 1/3 ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक ऑफ द सेम साइज, सेम साइज की, सेम आकार की ब्रिक को अगर हम वेट करें तो उसका 1/3 हल्की होती है ये वाली ईट है। दीस ब्रिक क्यों हल्की होती है, क्योंकि ये अंदर से खोखली और पोली होती है, ठीक है। दीस ब्रिक कैन बी लेड ऑलमोस्ट ओवर 4 टाइम एज फास्ट द ऑर्डिनरी ब्रिक, 4 गुना ज्यादा जल्दी इसको हम बिछा सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। एंड दस यूज ऑफ सच ब्रिक लीड्स टू स्पीडी कंस्ट्रक्शन, और इस प्रकार की ईंट का कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी होता है या स्पीडली होता है, ठीक है। दीज ऑल्सो रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुकी थी, ये क्या होती है, हमारी हीट को ट्रांसमिट करने से रोकती है। अगर इस साइड ज़्यादा हीट है या ज़्यादा गर्मी है तो वो इस साइड आने से रोकेगी, क्यों, क्योंकि ये कैविटी के अंदर क्या करेगी, ये वाली आती हुई हीट का कंजर्व कर लेगी और यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेगी, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, साउंड एंड डैम्प, मतलब साउंड को भी आने से यहाँ पर रोकती है, और डैम्प मतलब सितांग को भी यहाँ पर ट्रांसफर होने से रोकती है। दे आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक, क्या लिखा है, पार्टीशनिंग शोइंग द टिपिकल हॉलो ब्रिक, ये कहाँ यूज हो करते हैं हम, पार्टीशन देने के लिए, हमारी रूम्स में पार्टीशन देने के लिए, या फिर बाहरी या आउटर सरफेस पे इन ब्रिकों का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आई समझ में, होलो ब्रिक, यस मैडम। ठीक है, ये वाली हमारी मेन ब्रिक है, होलो ब्रिक जो है, इसको एक बार और मैडम ये कहाँ पे यूज करते हैं? हम पार्टीशन देने में करते हैं ब्रिक का, कहीं भी हमको पार्टीशन देना है, जैसे अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में एक साइड में क्या बर्नर चल रहे, बर्निंग के लिए बर्नर चल रहे हैं, और अगले साइड हमको पास ही में तुरंत सुपरवाइजर का ऑफिस बनाना है, तो बर्नर का काम क्या होता है, इंडस्ट्री में जो बर्नर चलते हैं, बॉयलर चलते हैं, बॉयलर क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होती है, करते भाप बनती है, भाप बनती है तो क्या होता है, भाप से मशीनरी चलती है, सुना है ना, स्टीम इंजन, हाँ यस मैडम। ठीक है। अगर वहीं आपने सपोज आपको क्या करना है, वहीं आपको सुपरवाइजर का रूम बनाना है, ठीक है, तो वो चाहे उसका रूम ऐसा खोलता हुआ उसमें एटमोसफियर मिलेगा तो अच्छा लगेगा क्या, वो तपता रहेगा क्या बेचारा बॉयलर के पास ही में, क्योंकि उसको धीरे धीरे देखना भी है, अपनी ऑब्जर्वेशन भी करना है कि क्या चल रहा है, तो हम उस जगह पर ऐसी ब्रिक के कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये थी हमारी होलो ब्रिक, ठीक है, दिख रही है। हाँ दीज क्ले होलो ब्रिक कैन बी यूज फॉर बोथ लोड बियरिंग एंड नॉन लोड बियरिंग कंस्ट्रक्शन, दोनों प्रकार के कंस्ट्रक्शन में यूज हो जाती है। ये पढ़ रहे हो आप स्क्रीन पे, स्क्रीन दिख हाँ रही है, मैडम दोनों प्रकार के कंस्ट्रक्शन में हम स्क्रीन होलो ब्रिक का यूज कर सकते हैं, नॉन बियरिंग, नॉन लोड बियरिंग एंड लोड बियरिंग, दोनों में डिफरेंस मैं बताई थी आपको कि कैसे होते हैं। मोर ओवर दे ऑफर, होलो ब्रिक आर हाईली ड्यूरेबल इन द नेचर, ये क्या होती है, और ज़्यादा टिकाऊ होती है इनके नेचर में, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वेरियस सुटेबल एप्लीकेशन, कितने की पड़ती है ये, 47 रुपीज की एक ब्रिक पड़ती है, दिख रही है आपको, पढ़ते हैं होलो ब्रिक के फोर्टी यूजेस, ठीक है। होलो ब्रिक आर ब्रिक्स दैट हैव सेवरल होल्स इन इट,
कैसे रहते हैं, बहुत सारे होल्स रहती है या होलो नेचर की इनको बनाते हैं, ठीक है, अंदर से खोखली बनाते हैं। दीज ब्रिक कैन बी यूज टू बिल्ड, दीज यूज टू बिल्ड लोड बियरिंग एज वेल एज नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। दीज ब्रिक हैव बीन प्रूवन टू मच मोर बेनिफिशियल देन ट्रेडिशनल ब्रिक, हमारी जो चली आ रही है ईंटें उनसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी होलो ब्रिक, ठीक है, मगर इसको बनाना उतना ही भारी होता है। जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल ब्रिक है उसका मेकिंग हमारा थोड़ा इजी होता है, मगर इस ब्रिक के अंदर अंदर से खोखली रखना है, इनकी साइड भी पूरी शेप में, पूरी साइज में, और होल्स भी प्रॉपर चाहिए हमको, तो इस कारण से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस ब्रिक को कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। मगर ये हमारी उन ब्रिकों से ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ये वाले ब्रिक, ठीक है। होलो ब्रिक आर फायर रेजिस्टेंस, ये फायर को रेजिस्ट करती है, मतलब फायर रेजिस्टेंस होती है, एंड एट द सेम टाइम मच सफर देन ऑर्डिनरी ब्रिक, और हमारी ऑर्डिनरी ब्रिक के हिसाब में ज़्यादा अच्छे से ये फायर को रोक सकती है। आई बात समझ में, होलो ब्रिक का दिख रहा है, हाँ ठीक है। होलो हम पढ़ चुके हैं, होलो ब्रिक क्यों बनाते हैं, ये हीट इंसुलेशन होती है, ये वेट में कम रहती है, लाइट वेट रहती है, और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है हमारी जो ट्रेडिशनल ब्रिक जो चली आ रही थी उस ब्रिक से स्पीडली इसका कंस्ट्रक्शन होता है और अच्छी रिजल्ट्स इसके निकल के आते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम पेविंग ब्रिक, दीज ब्रिक आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्ले कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ आयरन, कौन सी क्ले से हम प्रिपेयर करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट हमारे लोहे का होगा या फिर आयरन का होगा, ऐसी क्ले से हमारी पेविंग ब्रिक बनाई जाती है। द एक्सीड आयरन वर्टिफाइज द ब्रिक एट लो टेम्परेचर, ठीक है, जो हमारा एक्सिस आयरन होता है वो विट्रीफाइज द ब्रिक एट लो टेम्परेचर, मतलब जब कम टेम्परेचर में हम ब्रिक को विट्रीफाइज करते हैं, मतलब उसको पकाते हैं, तो हमारा क्या होता है, पेविंग ब्रिक के रिजल्ट बाहर निकल के आते हैं। सच ब्रिक रेजिस्ट बेटर अब्रासिव एक्शन, अब्रासिव मतलब सडन अगर हमने ठोका तो ये क्या होता है, हमारा एब्रासिव लोड होता है या एब्रासिव लोड पड़ा, तो एसी बिल्डिंग पे सॉरी एसी ब्रिक पे अगर हमारा एब्रासिव एक्शन आता है, मतलब ट्रैफिक का, मतलब एब्रासिव एक्शन ऑफ ट्रैफिक कैसे आता है, धम धम या चलने वाला अचानक से आने वाला लोड या चलने वाला लोड आता है किस पे, ट्रैफिक के कारण, एसी ब्रिक क्या करती है उनको रेजिस्ट कर लेती है। मतलब पेविंग ब्रिक को हम सीधे सीधे से जान रहे हैं जहाँ पे अब्रेसिव फोर्स आता है ट्रैफिक का वहाँ पर लगाते हैं, इसका मतलब ये फ्लोरिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं हम, कौन सी ब्रिक को, हमारी पेविंग ब्रिक को, ठीक है। द पेविंग ब्रिक मे बी प्लेन और चेक्योर्ड, चेक्योर्ड मतलब ऐसी ऐसी जिगजैग भी हो सकती है जिसके ऊपर जिसकी एक साइड, ये साइड प्लेन है, ये साइड प्लेन है, ये वाली साइड कैसी है, डिजाइन वाली, ठीक है, आपने देखी है सभी ने ये वाली ब्रिक, ठीक है, बताती हूँ अभी कौन सी होती है। दीज ब्रिक आर एक्सट्रीमली यूज्ड फॉर गार्डन वॉक, गार्डन में जब हम वॉक करते हैं वहाँ पे इस टाइप की ब्रिक्स का उपयोग रहता है, किसके लिए, स्ट्रीट के पेवमेंट बनाने के लिए, मतलब जो रोड पेवमेंट होते हैं जिस पे हम चलते हैं, जो गार्डन में लोग चलते हैं, आधी तो घास फूस रहती है और बाकी जो फ्लोर बने होते हैं वो हमारी किस प्रकार की ब्रिक के बने होते हैं, हमारी पेविंग ब्रिक के बने होते हैं। ये फ्लोर स्टेबल फ्लोर्स भी बनाए जाते हैं इस ब्रिक से। दीज ब्रिक आर ऑल्सो रेंडर द फ्लोर लेस स्लिपरी, ऐसी ब्रिक जिस पे ऐसे चेक्स टाइप या चेक्योर्ड टाइप की जो ब्रिक होती है जिसकी सरफेस कुछ इस प्रकार की रहती है वो कैसी होती है, कम से कम स्लिपरी होती है, मतलब स्लिप होने लायक नहीं रहती है, ठीक है। इस टाइप के ब्रिक का हम देख लेते हैं कैसी होती है ये ब्रिक्स, सक्षम कहाँ ऐसे में सारे हैं तेरे को। देखो
मैम क्या हुआ ये सक्षम कौन को? सी ईंट हो गई? सक्षम को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मैडम, सक्षम क्या बोल रहा संजीव? को ऐसे में पा रहा हूँ। मेरे को थोड़ी ना मैडम के फोन बजा नहीं, है। मेरे फोन में बजा है वो, मेरे फोन में। सॉरी सॉरी, मेरे फोन में बजा। ये देखो, फ्लोर बनाने के लिए हमने इस प्रकार की ब्रिकों को लिया, ठीक है? दिख रहा है? इसको यूजुअली पेविंग ब्रिक को हम पेवमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। एक और मैंने निकाला था फोटो आपके लिए। मैम ये भी नॉर्मली अपनी ईंटों के जैसी ही होती है ना हाँ, मगर इसका पेविंग जो ब्रिक। ऊपर का सरफेस जो रहता है ना, वो कैसे रहता है अपना, थोड़ा सा ऐसे क्रिस क्रॉस रहता है, थोड़ा सा नॉन स्लिपरी रहता है, और थोड़ा सा फिनिशिंग इस वाली ब्रिक में ज्यादा रहती है, ठीक है? मैडम एक वो ट्राइंगुलर शेप की भी आती है ना, हाँ, वो भी पेवर ब्लॉक रहते हैं। उस पेवर ब्लॉक अलग होते हैं और ईंटें अलग होती है, ठीक है? जो हमारे पेवमेंट के साइड में बनती है ना, वो पेवर ब्लॉक होते हैं। ये देखो, दिख रही है? ये इस टाइप की ईंटें रहती है, ये वो ऐसे रहते हैं, तुम जो बोल रहे हो ना, वो ऐसे ये पेवर ब्लॉक रहते हैं, है ना? ये एक दूसरे में ऐसे लॉक हो जाते हैं, मैडम। हाँ एक दूसरे में लॉकिंग हो जाती है इनकी, ठीक है? हाँ मैडम, ये वाले ऐसे टाइप के वाले बोल रहा रहते हैं, था इनको मैं। पेवर ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है? ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होते हैं अपने होटले वगैरह बनाने के लिए, बाहर की सरफेस बनाने के लिए ये ज्यादा यूज होते हैं। पेवर ब्लॉक, पेवर हाँ ब्लॉक ये रहते लिखवाया हैं। था आपने। ठीक है, तो ये इस टाइप की रहती है। आपने वो टाइल्स देखी होगी ना, कैसी कौन सी रहती है वाली आपको मैडम? मैं बताती हूँ। ये देखो, ये देखिए, ये वाले, ये वाली इस प्रकार की जो टाइल्स हाँ मैम, है ना, काफी यूजुअल देखी होगी। इसमें क्या रहता है, जो ये चेक्स बने हुए, इसमें जो उभरे हुए बने रहते हैं, ठीक है? ये वाले जो चेक्स इसमें बने हुए हैं, उभरे हुए रहते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये फ्लोरिंग पे ऐसे रहता है ना, तो ये स्लिपरी नहीं होता है, मतलब चिकना हो करके स्लिप नहीं होता है। अगर इस प्रकार की हमारी ब्रिके रहती है तो ऐसी ब्रिके भी बनती है हमारी। देखिए ये वाली तो ऐसी ब्रिके भी बनती है अपनी, जिसको क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड ब्रिक। एक ये वाला पैटर्न भी देख लो, ये वाला। ये वैसे टाइल्स है, चेक्स वाली, चेक्योर्ड मतलब ऊपर से कैसी रहती है, खुरदुड़ी रहती है। इस प्रकार की हमारी ब्रिक भी बनती है, ठीक है? ये ऐसे टाइप की, ठीक है? ये ब्रिक रहती है जिसका बाकी सरफेस ऐसी नॉर्मल रहती है, और ऊपर की सरफेस ऐसी उभरी हुई सी रहती है, ठीक है? जिसको क्या बोलते हैं, चेक्योर्ड ब्रिक। हाँ, हाउ दीज ब्रिक आर प्रिपेयर्ड फॉर क्ले कंटेनिंग, क्या बोल रहे हैं, हाई परसेंटेज हमारे आयरन का होता है। द एक्सिस आयरन विट्रीफाइज द ब्रिक एट लो टेम्परेचर। जो एक्सिस आयरन होता है, जो हाई परसेंट में होता है, वो क्या करता है, हमारी ब्रिक को विट्रीफाइज करता है लो टेम्परेचर में। सच ब्रिक रेजिस्ट बेटर एब्रासिव एक्शन, मतलब इस प्रकार की ब्रिक में अगर हमारे ज़्यादा एब्रासिव एक्शन आते हैं, एब्रासिव मतलब घिसन वाला, चलन वाला, ठोकन वाला, जो भी फोर्स हमारे रोड पे आते हैं या फ्लोर पे आते हैं, उस प्रकार के एक्शन को हम क्या बोलते हैं, एब्रेसिव एक्शन, घिसन वाले और लगातार ठोकन वाले जो फोर्सेस होते हैं। तो इन ब्रिक, ये वाली ब्रिक इन एब्रेसिव फोर्स को अच्छे से क्या करती है, रेजिस्ट करती है,
ठीक है, द पेविंग ब्रिक में बी प्लेन और चेक्योर्ड। चेक्योर्ड मतलब जो ये हमारी पेविंग ब्रिक है वो प्लेन भी हो सकती है, मतलब जिसका सरफेस प्लेन भी हो सकता है, और चेक्योर्ड भी हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ उभरा हुआ सा भी हो सकता है। दीज ब्रिक आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर गार्डन वॉक। गार्डन के साइड में जो हम पेवमेंट बनाते हैं या चलने के लिए। गार्डन साइड में जो स्ट्रीट प्रोवाइड करते हैं, हम स्ट्रीट प्रोवाइड करते हैं उसमें हम इनका उपयोग करते हैं। जहाँ हमको स्टेबल फ्लोर बनाने होते हैं वहाँ हम इनका उपयोग करते हैं। दीज ब्रिक रेंडर द फ्लोर लेस स्लिपरी। इस प्रकार की जो ब्रिक होती है हमारे फ्लोर को कम स्लिपरी बनाती है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? पेविंग ब्रिक मतलब पेवमेंट बनाने के लिए जो यूज होती है। पेवर ब्लॉक वो एक अलग टाइप के हमारे ब्लॉक्स आते हैं। ठीक है, अब अगली ईंट पढ़ते हैं, 8th नंबर की, जो है हमारी परफोरेटेड ब्रिक। ठीक है, दिस ब्रिक कंटेन सिलेंड्रिकल होल्स थ्रू आउट देयर थिकनेस एज शोन इन द फिगर 3.12। क्या बोलते हैं कि ये ब्रिक के अंदर में जो होल रहते हैं वो गोल या सिलेंड्रिकल होल्स होते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द थिकनेस मतलब जितनी मोटी ब्रिक होगी उतने मोटे हमारे क्या होंगे, इनके सिलेंड्रिकल होल्स होंगे। ठीक है, दीज ब्रिक आर लाइट इन वेट। ये भार में कैसी होती है, हल्की होती है, लाइट वेट की होती है। एंड दे रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ क्ले। इसमें जो मिट्टी बनती है हमारी बनाने में वो कैसी लगती है, लेस क्वांटिटी में लगती है, मतलब कम मात्रा में लगती है फॉर देयर प्रिपरेशन इनको बनाने में। दे ड्राइंग एंड बर्निंग ऑफ दिस ब्रिक आर ऑल्सो ईजी। इन ब्रिक को सुखाना और पकाना, बर्न करना ऑल्सो ईजी है। देखते किस प्रकार की परफोरेटेड ब्रिक होती है। ये जैसे ब्रिक है तो इसमें कैसी सिलेंड्रिकल शेप होंगे। अब ये शेप ऐसे ऊपरी कोने पर दिख रहे हैं मगर अंदर कैसे रहेंगे, थ्रू आउट द इसकी ब्रिक जितनी लंबी होगी उतने लंबे ऐसे छेद होंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं हम परफोरेटेड ब्रिक। इफ परफोरेटेड ब्रिक ऑफ लार्ज साइज आर यूज इट विल रेजिस्ट इन द इंक्रीज ऑफ आउटपुट ऑफ मैसन। मतलब ये वाली ब्रिक को अगर हम लार्ज साइज में यूज करेंगे तो जो इसके रिजल्ट होंगे वो इंक्रीज होंगे जो आउटपुट ऑफ मैसन, मतलब इनको बनाना या मैसनरी इनकी करना बहुत इजी होगा और जल्दी होगा। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट फॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया। हमारी इंडिया कैसी है, ट्रॉपिकल कंट्रीज है। अगर इनको ऑब्जर्व किया गया है कि जैसी हमारी जैसी ट्रॉपिकल कंट्री में, इंडिया में द ब्रिक विद द परफोरेशन ऑफ अबाउट 30 to 45% ऑफ टोटल एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग फेस ऑफ द ब्रिक वुड ऑफर्ड एडिक्वेट थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी। जैसे हमारे इंडिया ट्रॉपिकल कंट्रीज में आता है, क्यों, क्योंकि ट्रॉपिकल हमारी जो रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो हमारी इंडिया से होकर के गुजरती है। मतलब हमारे इंडिया में क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर हमारी दूसरी कंट्रीज यूएस और इनके हिसाब से ज़्यादा रहता है ना, टेम्परेचर इसमें ज़्यादा रहता है, वहाँ पे ठंडिया ज़्यादा तरह की पड़ती है, ज़्यादा ठंडा एटमोसफियर रहता है। मगर इंडिया जैसी कंट्रीज में परफोरेशन ब्रिक को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो कैसा थर्मल इंसुलेशन का काम करती है, मतलब हमारे घरों में कैसा ऑफर करती है, एडिक्वेट मतलब हमारा जो थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो प्रोवाइड करती है, मतलब घर कैसे रहेंगे, थर्मल से बचे हुए रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब हीट इंसुलेशन रहती है ऐसी ब्रिक्स। क्यों रहती है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में रहती है और खूब मोटी रहती है। ठीक है, समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? आ रही है ना मैम, समझ में आ ठीक रही है है, मैडम। हाँ।
मतलब इसके कारण ज्यादा हीट अंदर नहीं आ हाँ पाती है। वही वही, होलो ब्रिक का भी वही है और ये हमारी जो परफोरेटेड ब्रिक का भी वही है। होलो ब्रिक में ऐसे हमारे ज्यादा होल्स रहते हैं, इसमें क्या रहता है, सिलेंडर रहता है। सिलेंडर कैसे रहते हैं, थ्रू आउट द हमारी ब्रिक की थिकनेस तक। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। द परफोरेटेड ब्रिक आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक पैनल। ब्रिक के जहाँ हमको पूरे पैनल प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर हम परफोरेटेड ब्रिक को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका भार कैसा हल्का रहता है, ये कम वजनी रहती है। फॉर लाइट वेट स्ट्रक्चर एंड मल्टी स्टोरी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं हम, ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे हमको लाइट वेट बनाने हैं वहाँ पर, और हमारे मल्टी स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर में भी हम इन ईंटों का उपयोग करते हैं। ठीक है, द परफोरेशन में बी सर्कुलर। सर का मैसेज आया है क्या, देवी सर का? 2:10 से क्लास रख रहे हाँ हैं, है ना? मैडम आया। हाँ मैडम, 2:10 से क्लास रख रहे हैं। तो एक काम करो, खाना वाना भी खाना होगा ना आपको, तो ब्रेक दे दूं क्या? फिर बाद में हम उनकी क्लास के बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। बोलो क्या बोलते हो, 15 मिनट का और बचा है अपना, तो टाइम ही हो जाएगा आपका। ठीक है, अपन फिर कंटिन्यू कर लेते हैं इनको, है ना, जो ईटे बची है। आपका देवी सर का लेक्चर हो जाए ना, तो मुझे कॉल कर देना कोई भी है, या फिर मैसेज छोड़ देना, है ना। तो देवी सर की क्लास के आधे एक घंटे बाद जितना भी आपको रेस्ट चाहिए, आप ही टाइम बता देना, फिर अपन डिस्कस करके क्लास ले लेंगे। ठीक है, जूम मीटिंग ही कर लेना, डिस्कस हो जाएगा। अपन 3 लोग तो हैं, मीटिंग है, कंडक्ट कर दूंगी मैं, उस पे आकर के बता देना कि अगली क्लास कब लगाएंगे। ठीक है,